हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आज के ख्वाहिश में आप सभी का स्वागत है। वैसे तो पूजा अर्चना करने के लिए अनेकों ढंग तरीके विधियां हैं। कोई माला जाप करके पूजा अर्चना करते हैं मंत्रों द्वारा, कोई उपवास करके भगवान को प्रसन्न करते हैं, तो कोई यंत्रों द्वारा। आज हम यंत्रों द्वारा पूजा अर्चना करने के बारे में जानेंगे कि यंत्र बनाने के लिए हमें क्या क्या सामग्री चाहिए। आप इसे कम्प्लीटली देखिएगा तभी आप समझ पाएंगे क्या क्या इनमें चीज़ें चाहिए। अगर आप वीडियो स्किप करके देखेंगे तो आप पूरी जानकारी नहीं ले पाएंगे, तो वीडियो को कम्प्लीटली देखिएगा। यंत्र बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, सबसे पहले आपको बता दें कि यंत्र बनाने के लिए अखंडित भोजपत्र, अष्टगंध, केसर, अनार, चमेली और पीपल की कलम की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें अष्टगंध अगर आप घर में बनाना चाहते हैं तो उसकी भी विधि आपको बताऊंगी। अगर आप बना बनाया लेना चाहते हैं तो आपको पंसारी की शॉप पे आराम से बनाया बनाया मिल जाएगा, भोजपत्र भी आपको वहीं से मिल जाएगा। अनार की, चमेली की और पीपल की कलम किस तरह बनानी है, उसके बनाने का तरीका क्या है, वो भी आपको आगे बताऊंगी। तो चलिए वीडियो आज का शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अष्टगंध की। अष्टगंध 8 प्रकार की सामग्रियों द्वारा बनाया जाता है। अष्टगंध में जो अभी आपको चीजें बताऊंगी वो ग्रहों से रिलेटेड हैं। ग्रहों को शांत करने के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए इन चीजों का उपयोग किया जाता है, फिर अष्टगंध तैयार होती है। अष्टगंध से यंत्र लेखन का अभिप्राय ये समझा जाता है कि ऐसा करने से जातक को सभी ग्रहों का शुभ फल प्राप्त होगा। अष्टगंध का लेप हम 3 प्रकार से बना सकते हैं। सबसे पहले जो हमने इसमें चीज़ें डालनी हैं, अगरतगर, गौरोचन, कस्तूरी, सफ़ेद चंदन, सिंदूर, लाल चंदन और केसर, इन सभी को मिलाकर अच्छे से पानी से भिगोकर एक लेप तैयार होता है और उसी से हम भोजपत्र पे यंत्र तैयार करते हैं। दूसरी विधि में जो चीज़ें उपयोग में लाई जाती हैं, केसर, कस्तूरी, कपूर, हिंगूल, सफ़ेद चंदन, लाल चंदन और अगरतगर। तीसरे प्रकार की जो सामग्री है उसमें कपूर, कस्तूरी, केसर, गौरोचन, सिंग्रफ, चंदन, अगर और गेहूंला, इन सब चीज़ों का मिश्रण बनाया जाता है और इसका लेप बनाकर इसे यंत्र तैयार किया जाता है। ये 3 तरह के होते हैं, 3 प्रकार से आप बना सकते हैं। अगर आप इनको नहीं बनाना चाहते, बना बनाए लेना चाहते हैं, तो आपको पंसारी के शॉप पे आराम से मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं भोजपत्र की। भोजपत्र भी आपको आसानी से पंसारी की शॉप पे मिल जाएगा। उसे आप घर लाकर जब यंत्र बनाने की तैयारी करें तो उसे अच्छे से प्रेस कर लीजिए। प्रेस को ज़्यादा हीट करके नहीं करना है, वरना भोजपत्र जल जाएगा। बहुत ही सावधानी पूर्वक उसके ऊपर कपड़ा रख के फिर उसको हल्की सी प्रेस से समतल कर लें। भोजपत्र अखंडित होना चाहिए, एकदम सही होना चाहिए, कहीं से कटाफटा नहीं होना चाहिए। उसके बाद आप चौकोर टुकड़ा काट कर फिर यंत्र बनाइए। अब हम बात करते हैं कलम की। कलम हमें कौन सी लेनी चाहिए? इसमें हम कलम लेते हैं, जैसा कि आपको पहले बताया, अनार, चमेली और पीपल की। इन कलमों को बनाया कैसे जाता है, ये आपको पंसारी की दुकान पे भी मिल जाएंगी, लेकिन अगर आपके घर के आसपास अनार, चमेली और पीपल का पेड़ है तो आप वहाँ से भी उसकी टहनी तोड़कर टहनी को फ्रंट से पेंसिल की शेप दे दीजिए, वही अनार और चमेली पीपल की कलम कहलाई जाती है। चलिए आगे हम बात करते हैं कि पंचोपचार से, पंचामृत से पूजन अर्चन कैसे होता है। अब हमें पंचोपचार विधि से कैसे करना है और पंचामृत में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, ये आपको बता रही हूँ। किसी भी पूजा अथवा मंत्र अनुष्ठान में या यंत्र आदि
देवता को पंचामृत से स्नान कराने का विधान है। ऐसा करने से कोई भी यंत्र माला हम जो भी जिस भी भगवान की हम पूजा करते हैं वो सब पवित्र शुद्ध एवं जागृत हो जाते हैं। इसमें गाय का कच्चा दूध, दही, शुद्ध घी, शहद एवं बूरा या शक्कर, ब्राउन शक्कर को मिलाकर जो मिश्रण बनता है उसी को पंचामृत कहा जाता है। इसके बाद पंचोपचार विधि से पूजन कैसे किया जाए। पंचोपचार विधि में भगवान, देवता, यंत्र, देवी भगवती सभी का पूजा अर्चन जो किया जाता है उन्हें पंचोपचार विधि से किया जाता है। और कैसे किया जाता है, क्या इनकी विधि है, पंचोपचार से तात्पर्य है पांच प्रकार। पांच प्रकार से देवता की पूजा करना, स्तुति करना, जो हम उन पे वस्तुएं चढ़ाते हैं, अर्पण करते हैं, उनको देवता को प्रसन्न करना, यही पांच प्रकार से उनका पूजन करके उनको विधि विधान से प्रसन्न करना होता है ताकि आपकी मनोवांछित मनोकामनाएं शीघ्र से शीघ्र पूर्ण हो सकें। इसमें सबसे पहले पुष्प, फूल या माला चढ़ाना, उसके बाद धूप, अगरबत्ती, उसके बाद दीपक, शुद्ध घी का दीपक जलाना, उसके बाद नैवेद्य। नैवेद्य में चीज़ें आ जाती हैं, फल, नारियल, मिठाई, ये सब चीज़ें। तो ये सभी पांचों चीज़ें मिलाकर पंचोपचार विधि से भगवान का पूजन किया जाता है। उनको शुद्ध धूप दीप दिखाकर, उन्हें अच्छे से भोग लगाकर इस तरह से पूजा की जाती है। ये चीज़ें आप खुद भी घर में कर सकते हैं। अगर आपको आज का जो समय चल रहा है पंडित जी नहीं मिलते हैं तो ये सब चीज़ें आप विधि विधान से घर में खुद भी मानसिक पूजा के तौर पर कर सकते हैं। जो भी आपके पास चीज़ें अवेलेबल हो आप उनसे भी पूजा अर्चना कर सकते हैं। मन का भाव अच्छा होना चाहिए। इस वीडियो में आपको सामग्री बताई गई है, क्या क्या चीज़ें चाहिए। अगली वीडियो में आपको बताया जाएगा यंत्र को बनाना कैसे है, बनाकर उनकी स्थापना, उनको स्थापित कैसे करना है, उनकी पूजा अर्चना कैसे करनी है। तो चलिए अगली वीडियो आने तक इस वीडियो को अच्छे से देखिए, समझिए और अपनी जो जो भी यंत्र को बनाना चाहते हैं वो ये वस्तुएं इकट्ठी कर लीजिए। तब तक नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए। आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो आप स्किप ना कर पाएँ। तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय जिनेंद्र।